प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त सचिन स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ 2 BHK फ्लैट की, जो कि बहुत ही लग्जरी सेगमेंट स्टाइल्स में ये रहने वाला है। एंड फ्रंट साइड की अगर व्यू की बात करूं तो आप लोगों को कुछ इस टाइप की बिल्डिंग देखने को मिल जाती है। इस बिल्डिंग के अंदर मैं फ्लैट दिखाने वाला हूं, जो कि रहेगा 2 BHK का। फ्रंट साइड पे फ्लैट रहने वाला है। बिल्डिंग के सामने आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट साइड में बिल्कुल आपको 40 फीट की वाइड रोड देखने को मिल जाती है, और बिल्कुल बिल्डिंग के सामने आपको यहाँ का थाना देखने को मिल जाता है। और बात की जाए मेन रोड की, तो एक बार आ जाइए, मैं मेन रोड दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फ्लैट को और ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे। देखिए लोकेशन की बात की जाती है तो DLF अंकुर विहार की लोकेशन रहती है आप लोगों की। और ये मत सोचिए कि आप लोगों को बिल्कुल अंदर ये फ्लैट दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल अंदर फ्लैट नहीं है ये आप लोगों का। या ये आपकी बालकनी है, यहाँ देख सकते हैं, और बालकनी के बिल्कुल सामने वाला ये जो रोड देख रहे हो आप लोगों का, ये पुस्ता रोड है और ये आप लोगों का दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली का मेन रोड है। और यहीं से लगते हुए फ्लैट आपको देने वाला हूँ इस बिल्डिंग के अंदर। दोस्तों अगेन आप लोगों के लिए 2 BHK का बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही लग्जरी स्टाइल का फ्लैट लेके आया हूँ, जो कि मेन रोड से बिल्कुल लगता हुआ फ्लैट रहने वाला है। सामने वाली यहाँ की सबसे मेन रोड है, पर फ्लैट दिखाने से पहले आपका आउटसाइड व्यू दिखाना चाहूँगा मैं हल्का सा, जो कि आपके गेट के इस साइड का है। इधर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जो रहेगा 4 फ्लैट मिल जाएंगे, 2 फ्लैट उस साइड मिलते हैं और 2 फ्लैट रहेंगे आपके इस साइड। ये आपका लॉबी सेक्शन एरिया काफ़ी वाइड है, SS की रेलिंग आपको स्टेयर्स पे लग के मिलने वाली है। एंड उसके बाद आ जाइए अपने फ्लैट में, ये आपका फ्लैट का एंट्रेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो एंट्रेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपके गेट की हाइट, देख सकते हो मैं हूँ 6 फीट का और कम से कम 8 फीट के अबव में आपको ये गेट लगा हुआ मिल जाता है मेन एंट्रेंस का। और बाहर साइड आपको स्टेनलेस स्टील की हैंडलिंग लॉकिंग मिल जाती है, मास्टर की लॉकिंग वर्किंग मिल जाती है। और अंदर की तरफ अब आप लोग आ जाओ, जो कि आप लोगों का रहेगा ड्राइंग सेक्शन एरिया। बहुत ही स्पेसियस स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लॉबी सेक्शन एरिया की बात करो तो 10x12 का बहुत ही अच्छा सा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आप अपना आराम से 7-सीटर सोफा लगा सकते हो, डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हो, तो डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या लगाना चाहते हो। टीवी पैनल हम आपको लगा के देने वाले हैं, इस साइड नहीं देंगे, टीवी पैनल जो रहेगा आप लोगों का इस साइड हम लगा के बना के आपको देने वाले हैं, और इस साइड आपका सोफा सेट वगैरह लग जाएगा। बात की जाती है वेंटिलेशन वगैरह की, तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ प्रॉपर हमने विंडो दे दी है। फर्स्ट रूम में जाने से पहले ड्राइंग सेक्शन एरिया का मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी फॉल सीलिंग किस टाइप की हम आपको बना के दे रहे हैं। तो कोई भी फ्लैट लेते हैं उसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइप की डिज़ाइनिंग की गई, इंटीरियर डिज़ाइन कैसा आपको मिल रहा है। तो इस टाइप का फॉल सीलिंग आपको देखने को मिल जा रहा है, जितनी भी लाइट्स हैं आपको देखने मिले सारी सारी कॉब लाइट्स हैं, फैन लगा के दे रहे हैं हम। ये आप लोगों का सेमी फर्निश्ड फ्लैट रहने वाला है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो लगी हुई दिख रही हैं प्रॉपर आपको इसके अंदर लगी हुई मिलने वाली हैं। आज ही मैं चलता हूँ आपको लेके आपके फर्स्ट रूम में। सो दोस्तों ये आप लोगों का पहला रूम रहने वाला है, ये देख सकते हैं 10x12 का स्पेस आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। एक किंग साइज बेड आपका आराम से आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अलमीरा की बात करूँ तो इस साइड अलमीरा स्पेस आपको मिल जाता है। इतना नहीं, हमने यहाँ ऊपर की तरफ कैबिनेट बना के दे रखा है आप लोगों को, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज कैबिनेट है, इनके अंदर आप अपना पूरा सामान रख सकते हो जो भी आप रखना चाहते हो। स्पेस बहुत अच्छा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, वुडन वर्क प्रॉपर हमने किया हुआ है इसके अंदर। एंड इसके बाद बात करते हैं फॉल सीलिंग की, तो कुछ इस टाइप की आपकी फॉल सीलिंग देखने को मिलती है, काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग है आप लोगों की ये। एंड फैन वगैरह इसमें भी लगा के दे रहे हैं, डबल टोनिंग वर्किंग के साथ आपका इसमें हम काम करके दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। एंड डोर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोर, अगेन आप देखो काफ़ी ज़्यादा वाइड हाइट के साथ आपको यह डोर देखने को मिल रहा है। पार्किंग वगैरह की बात की जाती है तो पार्किंग इंपॉर्टेंट होती है, तो बिल्डिंग के अंदर आपको 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है, जैसे कि अंदर आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। और सभी के इलेक्ट्रिक कनेक्शन सेपरेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्विचिंग के जितने भी कनेक्शन हैं सबके सेपरेट रहने वाले हैं। इस साइड आपको मिलता है यहाँ पे वॉलपेपर स्टिकर हम लगा के दे रहे हैं, और ये पूरा का पूरा आपका काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो भी हम वॉलपेपर लगा के देते हैं ना, ये आपका प्रॉपर वॉशेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर वॉशेबल होता है, DLF अंकुर विहार का प्रोजेक्ट, पर ये मेन DLF का प्रोजेक्ट है, प्राइस बहुत ही कम रहने वाला है। आज ये आगे की ओर चलते हैं, ये आप लोगों का रहेगा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर काफ़ी डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है, स्पेस की बात करूँ तो 4x6 में काफ़ी डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। वेस्टर्न शीट हमने लगा के आपको प्रॉपर यहाँ पे दे दिया है, इस साइड गीजर के लिए वाटर कनेक्शन दे दिया है, स्विच यहाँ दे दिया है गीजर कनेक्शन का, और इस साइड दे दिया हमने आपका वॉशिंग शावर एरिया, प्लस इधर सिंक भी आपको मिल जाता है, टैप्स वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं।
यहाँ पे आपका शावर लगा हुआ है एंड गेट का ये हाइट जो है यहाँ पे भी डिसेंट सी आपको देखने को मिल जाएगी। आज ये किचन के अंदर, किचन में जैसे आप लोग आओगे तो बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। 6x8 का किचन का स्पेस आपका रहने वाला है। फुल्ली आप लोगों देखोगे तो वुडन वर्क के साथ आपको मिल रहा है, आपका मॉडर्न किचन रहता है ये प्रॉपरली। फुल्ली देखोगे प्रॉपर फुल कर रखा है स्पेस को, जितना भी स्पेस यहाँ पे बचता है उनको यूटिलाइज कर रखा है हमने वुडन वर्क के लिए। तो इधर आपकी चिमनी लग जाएगी, इस साइड आपका आरओ लग जाएगा, स्पेस हमने दिया हुआ है इसके अंदर प्रॉपर, ठीक है। और अंदर की स्पेसिंग की बात करो तो यहाँ पे देखोगे कैबिनेट्स के अंदर काफी अच्छा स्पेस है, स्पेस मिलता है, आप अपना सामान वगैरह इसमें रख सकते हो। अगर मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ टाइलिंग देख सकते हो, फिनिशिंग टाइलिंग की काफी अच्छी मिल जाती है, स्विच हमने दिया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ स्टोरेज सेक्शन कैबिनेट्स की बात करूँ तो जी लॉकिंग के साथ ही आपका स्टेनलेस स्टील की क्रॉकरीज स्टोरेज सेक्शन मिल जाता है। ये सारा का सारा जो भी यहाँ पे लगा हुआ है काफी अच्छी क्वालिटी का हम हमेशा लगा के देते हैं, जिसमें क्वालिटी के साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एंड ये देखोगे डबल टोनिंग यहाँ पे आपको ग्रेनाइट वर्किंग के साथ हमने इस किचन के पूरा रेडी किया किचन को सॉरी। और इधर आपका वॉशिंग सेक्शन हो जाएगा जो कि आपका वेट एरिया है, जहाँ पे आप अपने क्रॉकरीज वगैरह वॉश करोगे। और वेंटिलेशन के लिए इधर विंडो दे दिया है जो कि क्लोज रखा है, तो यहाँ पे आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हो, बाकी अंदर की तरफ से भी आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों का सेकेंड रूम, पर उससे पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए मैंने बहुत सारे तोहफे निकाले हुए। इस फ्लैट को लेते हो फर्स्ट टाइम आके बुकिंग करते हो तो आपको एसी मिल सकता है, बेड मिल सकता है, रेफ्रिजरेटर मिल सकता है, ओवन मिल सकता है, इसी तरह से 5-7 आइटम और है जो आपको मिल सकते हैं। ओके चलो ये सब चीज़ें नहीं लेते हो, क्या मैं देता हूँ ठीक है अगर फ्लैट लेते हो। देखो अगर आप आके फर्स्ट टाइम में विजिट पे बुकिंग कराते हो, आरओ मेरी तरफ से रहेगा, चिमनी मेरी तरफ से रहने वाली है, बाकी जो कूपन्स के अंदर से आप लोगे वो अलग रहेगा ठीक है। चलिए किचन के अंदर फैसिलिटीज़ की बात कर ली जाए, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो देखो समरसेबल हमने तो करके दिया ही हुआ है, सबकी जो टंकीज है बिल्कुल सेपरेट मिल जाती हैं। प्लस अगर आप लोगों को सप्लाई का वाटर चाहिए तो गंगा जल बोर्ड का सप्लाई कनेक्शन भी आपको मिल जाता है। देखो दिल्ली के आप लोग कहते हो कि दिल्ली में फ्लैट चाहिए, सो मैं आपको अभी भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर की प्रॉपर्टी नहीं है, दिल्ली से लगते हुए बिल्कुल दिल्ली से मात्र 0 किलोमीटर डिस्टेंस, जैसे अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। उसके बाद गैस वगैरह की बात करते हैं, गैस में आपको IGL गैस पाइपलाइन का कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको किचन के अंदर मिलती है। अंदर की तरफ आ जाओगे तो ये आप लोगों का रहेगा फर्स्ट रूम, या सेकंड रूम बोलो या मास्टर रूम बोलो, फर्स्ट रूम तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये जो रूम का साइज है आपका 10x10 का रूम साइज रहने वाला है, काफी स्पेस आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। डबल साइज बेड बहुत ही आराम से लग जाएगा। और फॉल सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपकी फॉल सीलिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर फैन लाइट्स वगैरह प्रॉपर हम लगा के दे रहे हैं। और ये मास्टर रूम है, तो मास्टर रूम के अंदर क्या होता है कि आपको अटैच वॉशरूम का प्रोविजन मिल जाता है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, 4x6 का स्पेस रहता है ये, और सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लग के मिल रही है। वेंटिलेशन की बात करूँ तो वेंटिलेशन के लिए अंदर विंडो हमने दिया हुआ है। आइए मैं आपको आपकी बालकनी दिखा देता हूँ, ये रही आप लोगों की बालकनी, ये आप लोगों की बालकनी है, बालकनी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। ये हमने टैप दे दिया है जो कि आप लोगों का शावर यूजिंग सॉरी क्लॉथ वॉशिंग के लिए, और ये आप लोगों का फ्रंट साइड का व्यू जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की और बात करते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, और अगर आप कैश लेते हैं या लोन पे लेते हैं तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले बात की जाती है लोन की, तो लोन आपको अप टू 90% तक हम करा के देते हैं, सिविल कैसा भी हो लोन हम करा देते हैं आप लोगों के लिए, तो टेंशन की बात नहीं है, दिवाली मनाओ अपने फ्लैट के अंदर 2BHK का। और प्राइसिंग की बात की जाती है, जब प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है मेरे पास 2BHK का, वो होता है 16.5 लाख से लेके 25 लाख तक का 2BHK फ्लैट मिल जाएगा। इस फ्लैट की साइज़ की बात करूँ तो दोस्तों ये आप लोगों का 65 गज का साइज रहने वाला है, अगर बालकनी ऐड ऑन कर दूँ तो 65 गज का काफ़ी खूबसूरत डिसेंट साइज के साथ आपको ये फ्लैट मिल रहा है। चलिए अगर आपको ऑफिस आना है तो ऑफिस कैसे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने ऑफिस एड्रेस और लोकेशन दे रखा है। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ मैं सैटरडे संडे ही ओनली ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ, बाकी पूरा स्टाफ आपको एवरीडे मिल जाएगा ऑन ऑफिस, और अपना ऑफिस जो रहता है 7 डेज ओपन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है, मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटीज़ आपको मिल जाती है दो, जो कि शिवविहार है खजूरी है, प्लस बस की कनेक्टिविटी मिल जाती है जो कि आपका मेन DLF से कनेक्टर कनेक्शन है दिल्ली का,
फिर आपका जो भी ई रिक्शा वगैरह चाहिए सब कुछ मिल जाता है, कनेक्शन की कोई इश्यूज नहीं है, बस आप एक बार आओ विजिट करो देखो एंड बुक करो, आपको 100% ये फ्लैट पसंद आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।